हेलो, तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इसमें आसानी से पत्तियां ड्रॉ करना सीखेंगे, इसमें जो कि तीन स्टेप में हम पत्तियां बनाएंगे, तीनों अलग अलग एंगल में होंगी और इसमें हम आसानी से पत्तियों को ड्रॉ करना सीखेंगे। हम इसमें कैमलिन ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, वो जो कि है 8B की। आइए दोस्तों, हम पहली पत्ती ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट एंगल। ओके दोस्तों, तो हम पहले इसमें ये लाइन लेंगे, बिल्कुल बिना डरे आपको काम करना है। और कोई भी दिक्कत, अगर ख़राब भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज भी हो जाएगा, पेपर ही तो है बस। और आपको बिना डरे ड्रॉ करना है ये बिल्कुल आसानी से। और अब ये जो इसका एंगल, इसी से बिल्कुल हल्का सा ऊपर लेके और इस एंगल से मिला देंगे। ये हमारा इतना काम हो गया कंप्लीट। अब हम इसकी जो पत्तियों की लाइनिंग होती है, हल्की हल्की ड्रॉ करेंगे एक इसके एंगल में, और हम इसको हल्का हल्का शेड करना शुरू करेंगे, बिल्कुल लाइट लाइट और स्लो 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 करना है हमें, बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है, बिल्कुल लाइट लाइट हाथ चलाना है हमें इसमें। हल्का हल्का ऊपर भी शेड करेंगे, और जो यहाँ पे इसको बिल्कुल लाइट स्लो स्लो ड्रॉ करेंगे, और इसको जो है थोड़ा सा नीचे करेंगे, और ये जो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। ये फ्रेंड्स, हमारी पहली पत्ती कंप्लीट। हेलो फ्रेंड, बाकी आपने देखा कि हमने पहली पत्ती कितनी आसानी से ड्रॉ की है। अब आइए फ्रेंड्स, हम दूसरी पत्ती की ओर चलते हैं, वो भी खैर इससे थोड़ा सा अलग एंगल रखते हैं उसका। हम इसको बिल्कुल हल्का सा टर्न रखेंगे, और जो नीचे से हल्का सा इसको, और ऊपर से हम बिल्कुल सेम पोजीशन में थोड़ा सा हल्का बस यहाँ इसको ख़त्म कर देंगे, और नीचे भी सेम इसको बिल्कुल हम ऊपर ले जाएंगे और इस पर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे इसको। और जो ये है हमारी, हमको इससे बिल्कुल ये इससे रखना है, ताकि हमारी पत्ती लगे जो कि वो नीचे को है, मतलब वो लगे कि 3D, हाँ जी, कि मतलब मुड़ी हुई है वो। और इसके हम बीच में बिल्कुल इसमें भी बारीक लाइन जो पत्तियों के बीच में होती है, जो कि आइए इसमें हल्की हल्की बिल्कुल हमें शेड देनी है, बिल्कुल लाइट हाथ से। इसमें हम कोई सी भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फिलहाल मैं तो अभी 8B यूज़ कर रहा हूँ, वैसे 2B भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, मर्जी है, जो आपको अच्छी लगे वो कर सकते हो। हमें वो जितना आसानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है इसमें, हल्का हल्का यहाँ पे भी, ताकि लगे कि हाँ पत्ती मुड़ी हुई है, थोड़ी ऊपर भी शेड देंगे बिल्कुल लाइट लाइट, और थोड़ा सा इसको मिला देंगे। ये फ्रेंड्स, हमारी दूसरी पत्ती भी कंप्लीट हो चुकी है, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है बाकी तो इसमें। अब हम बढ़ेंगे फ्रेंड तीसरी पत्ती की ओर, जो कि वो होगी दूसरे एंगल में हमारी। हम उसका थोड़ा सा ऊपर को एंगल रखेंगे, ये हमारा थोड़ा बीच में और ये हमारा थोड़ा टर्न हो रहा है, हम थोड़ा और ऊपर को करेंगे पत्ती, जो कि देखिए इसको ये यूं इतना करते हैं, और इसका जो एंगल है थोड़ा सा ये ऐसे नीचे, यहाँ से बिल्कुल टर्न थोड़ा ऊपर की ओर, और यहाँ से हल्का सा इसको ज़्यादा नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो पत्ती का एंगल है वो ऊपर की ओर है, और इसको ऊपर का इसको ऐसे रखेंगे, ताकि लगना चाहिए जो हमारी पत्ती है वो ऊपर है,
बिल्कुल उसकी थोड़ी सी ऐसा लगना चाहिए नोक। और इसको भी सेम ऊपर वाली, जैसे ये जो हमने लाइन ली थी सेम इसी तरीके से हम इसमें लेंगे, पत्ती के अकॉर्डिंग ये लाइनें ऊपर जाएंगी और ये छोटी होंगी क्योंकि हमारा इधर का जो पार्ट है बहुत कम है और हम इस पत्ती को ऊपर के एंगल में दिखा रहे हैं तो ये हमारी ऊपर के एंगल में कम होगी। इसको हम इस साइड शेड में करेंगे, हल्का शेड, और जो ये हमारे यहाँ पे ये हमारी टर्न है तो हम इसको हल्का हल्का ऊपर को दिखाएंगे, इसमें भी हल्की हल्की शेड होगी बिल्कुल लाइट लाइट। और यहाँ पर लगना चाहिए कि पत्ती ऊपर को टर्न कर रही हुई है तो हल्की शेड हम ऊपर देंगे बिल्कुल लाइट लाइट, और जो इसका नीचे का सिरा है इसको थोड़ा सा चौड़ा करेंगे, ये तीसरी पत्ती भी हमारी फ्रेंड्स कंप्लीट होते हुए। और हमने तीनों पत्तियों को बिल्कुल आसान तरीके से ड्रॉ किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो कि आपके सामने ये देखिए 1 2, इसको हल्का सिर्फ 1 2 3, तीनों पार्ट में हमने पत्ती ड्रॉ किए बिल्कुल आसान तरीके से। और आप चाहें तो इसमें ग्रेफाइट, चारकोल, पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, हमने नॉर्मली पेंसिल यूज़ करी है जो कि